वहीं दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानून पर विपक्ष को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इन्हें अंग्रेजों के जमाने का कानून चलेगा, लेकिन अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाया गया है, इसमें कई प्रावधान जोड़े गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 19वीं सदी का कानून चल रहा था, इनके लिए वो ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको अपनी भूमिका की गंभीरता को समझना होगा। हर विषय क्योंकि सरकार द्वारा लाया जा रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं, ये सोच पूरी तरह से गलत है। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून इनको चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए हैं, इसमें तो इवन आम जनता से भी भाई कई ऐसी चीज़ें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीज़ों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती हैं, इन तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं। बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। मेरी समझ के परे है कि भाई जस्ट बाय द वर्च्यू की सरकार ने कोई एक फैसला लिया है, आपको इसका विरोध करना है, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कतई नहीं हो सकती। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बट आपको अपनी भूमिका की गंभीरता को भी समझना होगा। हर विषय क्योंकि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, सिर्फ इसको अपोज करेंगे, ये सोच पूरी तरीके से गलत है। भैया चर्चा होकर इस कानून को बनाया गया, अब इसको लागू नहीं करेंगे तो क्या, कल को जब नारी शक्ति अधिनियम को जब धरातल पर उतारा जाएगा, फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई दोबारा इसके ऊपर चर्चा हो, दोबारा इसके ऊपर चेंजेस हो। क्यों हो भाई, जब एक बार जब तमाम चीज़ों की चर्चा होगी, अब जो उसको धरातल पर उतारने का समय, इम्प्लीमेंटेशन का समय है, और अब तो खैर इम्प्लीमेंट हो भी गया, उसके तहत पहली एफआईआर भी उस पर दर्ज